जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत विभाग भर्ती 2023 के बारे में। हाँ जी दोस्तों, काफी अच्छी खासी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। 2600 के आसपास ये आपके सामने वैकेंसी रहने वाली है। कौन कौन से डिपार्टमेंट, कितने आपकी पोस्ट आपकी रहने वाली है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। किस यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर कितनी आयु सीमा आपकी रहनी चाहिए, क्या इसके अंदर योग्यता चाहिए, कौन कौन से किसके अंदर क्या डिप्लोमे चाहिए, सभी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं ओपीसी स्लिप प्रूफ के साथ। तो अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट यह रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब यहां पर हम बात करते हैं आपके सामने यहां पर विद्युत विभाग भर्ती के बारे में कि किन किन यहां पर आपके यहां पर वैकेंसी निकली है डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो आपके सबसे पहले मैं बात बताऊं आप तो टेक्नीशियन थर्ड के अंदर वैकेंसी निकली है। पद इसकी बात करता हूं तो 815 पद हैं और इसकी जो योग्यता आपके सामने रहने वाली है वो 10th पास आपको यहां पर योग्यता रहनी है और 10th पास के साथ में इसके अंदर ITI का डिप्लोमा इसमें मांग रखा है। दोस्तों जो टेक्नीशियन का है उसके अंदर ITI का यहाँ पर डिप्लोमा मांग रखा है। केवल ये एक ही वैकेंसी इसमें ITI का डिप्लोमा मांग रखा है। आयु सीमा इसके अंदर होनी चाहिए तो वो 18 से 25 साल आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। फिर आपके सामने हेल्पर की वैकेंसी है, उसके अंदर पद अच्छे खासे पद है, 286 पद है। इसके अंदर जो आपके सामने योग्यता मांग रखी है वो 10th पास मांग रखी है। इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पर 18 से 30 साल है। दोस्तों काफी अच्छे खासे यहाँ पर एज क्राइटेरिया है 18 से 30 साल। आगे बात करते हैं यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर ये देखने को मिल रही है ड्राइवर पद के लिए। अभी ड्राइवर की हाल फिलहाल काफी वैकेंसियां चल रही है, जैसे CISF की आपकी वैकेंसी ड्राइवर की चल रही है, CRPF की चल रही है, MES की चल रही है, यहाँ पर ITBP के आपके फॉर्म डल चुके हैं और दिल्ली पुलिस ड्राइवर के आपके यहाँ पर अब ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं। तो अच्छी खासी यहाँ पर ड्राइवर की वैकेंसी आपकी बार देखने को मिल रही है। तो आपके यहाँ पर विद्युत विभाग के अंदर भी ड्राइवर के यहाँ पर अच्छे खासे पद देखने को मिले हैं। 457 पद पर ये वैकेंसी आपकी होने वाली है। अब इसके अंदर भी हम देखने वाले हैं कि 457 में जो आपकी यहाँ पर योग्यता है वो क्या मांगी गई है। तो 10th पास यहाँ पर योग्यता मांगी गई है और साथ में जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके साथ में क्या मांगा गया है दोस्तों, LME लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और HME लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। HME और LME दोनों लाइसेंस होने चाहिए। जिसके पास दोनों लाइसेंस है वही इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में इसके अंदर जो एज यहाँ पर क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है, तो जनरल वालों को मैं बता देता हूँ कि 18 से 27 साल आपके यहाँ पर एज क्राइटेरिया रहने वाला है। ओबीसी वालों को मैं बता देता हूँ कि 18 से आपके 30 साल रहने वाली है। ST कैटेगरी को मैं यहाँ पर बताता हूँ तो 18 से आपकी 32 साल एज क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है। आगे देखते हैं कि जो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है इसके अंदर जो आपके सामने योग्यता क्या मांगी गई है, तो इसके अंदर 12th पास आपका होना चाहिए। जो 12th पास है वो यहाँ पर फॉर्म लगा सकता है। यहाँ पर जेन और जूनियर अकाउंट के अंदर भी 12th पास मांगा गया है और इसके साथ में कुछ डिप्लोमे मांगे गए हैं तो उनके साथ आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। जो काफी अच्छी खासी वैकेंसी है वो ड्राइवर की वैकेंसी है। ये एकदम आसान वैकेंसी है, आराम से आप लोग इसके अंदर सिलेक्शन पा सकते हो दोस्तों, कुछ ही यहाँ पर मेहनत और पढ़ाई के साथ। तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपनी तैयारी में यहाँ पर जुट सकते हैं। काफी अच्छी खासी ये वैकेंसी है। अब देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इस वैकेंसी का क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम के बाद में आपका यहाँ पर फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता है। फिजिकल के बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट के बाद में यहाँ पर मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद यहाँ पर जो अंत में होता है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये सभी आपके कंप्लीट होने चाहिए। जिसके पास LME और HME लाइसेंस है वही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर पद के लिए, ठीक है। जिसके पास LME और HME नहीं है उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बाहर कर दिया यहाँ पर जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 21 अगस्त से लेके 30 अगस्त के आसपास कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। 21 से 30 अगस्त के आसपास कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। ये जो वैकेंसी है ये केवल राजस्थान वालों के लिए है। राजस्थान वाले इसके फॉर्म लगा सकते हैं। 5% यहाँ पर अदर स्टेट के यहाँ पर फॉर्म लगते हैं 5%। उसके अंदर आप लोग जो काउंट होंगे वो जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होने वाले हैं। तो 5% जनरल कैटेगरी के अंदर अदर स्टेट वाले यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। बाकी ये वैकेंसी राजस्थान वालों के लिए है, काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के साथ आप बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए अपडेट के साथ। जब तक सभी को जय हिंद जय भारत।